आप सबका खैर मकदम, थैंक यू वेरी मच। ये सिलसिला बैठक का तकरीबन 1.5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और कुछ दोस्तों ने ये तजवीज़ रखी थी कि हम लोग जब भी मिलते हैं बातें इधर उधर चली जाती हैं, तो फोकस करने के लिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन सम सब्जेक्ट, किसी एक पर्सनालिटी पे बात कर लें, किसी फिलॉसफी पे बात कर लें, किसी कल्चरल इशू पे बात कर लें, किसी रिलीजन पे बात कर लें, मतलब इट कैन गो एनीवेयर। तो उस महफिल में तारिक गौरी साहब भी थे, तारिक गौरी साहब ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा सिलसिला है, लेट अस स्टार्ट विद नौशाद साहब, बिकॉज मेरा नौशाद साहब से अच्छा रब्ता रहा है। तो इस सिलसिले में आज जो पहली बैठक की जो पहली कड़ी है, ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में, थक गए मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन मेरी महफिल का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहा और कहा तू हो सनम, दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे आजाद। मैं पहले अर्ज कर दूं कि ना मैं एक म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ तारिक भाई की तरह, ना मैं इन चीजों का माहिर हूँ, मेरी इसमें से सिर्फ मोहब्बत है नौशाद साहब के लिए। मैं बम्बई में पोस्टेड था तो नौशाद साहब से मुलाकात हुई और सूडो लखनवी होने के नाते वो मुझे बहुत चाहने लगे और अच्छी जान पहचान इसको कहता हूँ। इस हद तक हुआ कि ये खुद कलामी होगी और अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन लेटर मिला कि मैं नौशाद संगीत अकेडमी बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसका ट्रस्टी आपको अपॉइंट करता हूँ। तो मैंने फौरन टेलीफोन उठाया, मैंने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं, जिसके ट्रस्टी नरगिस देव दिलीप कुमार और लता मंगेशकर हूँ, तो कह रहे नहीं आपकी मोहब्बत फिल्म की तरफ म्यूजिक की तरफ उसने मुझे मजबूर किया आपका नाम ऐड करने में, ये और बात है कि वो बेचारी अकेडमी नहीं बन सकी। हजार कहानी शुरू होती है जब मैं जयपुर में पोस्टेड था तो एक हमारे यहाँ लेटर आया, हमारे एक कहलाता है सेंट्रल रेवन्यू स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और चीफ कमिश्नर ने तलब किया अपने कमरे में और कहा कि भाई एक बोर्ड का लेटर आया है कि एक सिंपोजियम म्यूजिक पे आप लोग ऑर्गेनाइज कीजिए, सब करेंगे तो हम लोग सरकारी नौकर ऑर्डर के उस पर चलते हैं। हम लोग उठके दो कमिश्नर थे, मैं मेरी बैचमेट थी वो भी कमिश्नर 1 और 2 थे हम लोग जयपुर में, तो वहाँ बैठे उनका भाई देखो म्यूजिक का मामला तुम डिसाइड करो टॉपिक क्या होगा, तो मैंने कहा हम लोग मेलोडी इन म्यूजिक एंड पोएट्री, तो शी सेड इट्स अ गुड टॉपिक वी विल डू इट करके मैं अपनी कंपनी से सडनली ए थॉट स्टक मी एंड आई कॉल्ड माय कोलीग ऑन इंट्रो, तो मैंने कहा यार प्रवीण क्यों ना नौशाद साहब को बुला लें अपने इसको इनॉग्रेट करने के लिए, तो हर रिस्पॉन्स वॉज आर यू जोकिंग, उन्होंने खुद उठाया, तो मैंने कहा हाँ ये शहर में है, कल सलाम दुआ के बाद वो होगा, मैंने अपनी बात अर्ज की तो कहने लगे तारिक मियां मैं बीमार हूँ, मैंने कहा हजरत हम लोग बहुत दिल से दुआ करेंगे आप ठीक हो जाएंगे, हमारे फंक्शन में 1.5 महीना बाद तुम तक मैं फिर तो जरूर हाजिर होऊंगा, बस एक शर्त है कि मैं अकेले ट्रेवल नहीं कर पाऊँ, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे साथ 3 लोग आइए, इसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल शॉर्ट में ये कि वो तशरीफ लाए, वो एक दिन पहले आ गए थे तो हमने घर पे उनकी दावत रखी और साथ में बहुत से और अपने दोस्तों को बुला लिया, तलत अजीज भी आ गए थे, उनका भी प्रोग्राम था अगले दिन एक सेशन मेलोडी गजल के ऊपर था, नौशाद साहब का सेशन जो था वो म्यूजिक के ऊपर था उनका गजल पे, तो घर पे बैठे साहब खाना वाना खाया गया, नौशाद साहब
अच्छे मूड में आ गए, शुड यूज द वर्ड रेमिनिसेंस। अब उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो साहब 11 बजे 12 बजे 1 बज गया, अब उठे कैसे कोई, नौशाद साहब बोल रहे हैं बहरहाल ये कि वो मामला खत्म हुआ और अगले दिन प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में ये हमारे चीफ गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर्स में महाराजा जयपुर लेट ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी थे, उनकी बेगम महारानी साहिबा थी। ये लोग बड़े भाई समझ लीजिए कि महाराजा और महारानी का अपना रुतबा होता है। पहली बार है हजरात की, लेडीज एंड जेंटलमैन सिर्फ हजरात कह रहा हूँ मेरी गलती है, कि महारानी साहिबा ने मुझसे धीरे से कहा गौरी साहब फोटो भिजवा देंगे थोड़े से। ये नौशाद साहब की अजमत थी कि वो नौशाद के साथ फोटो जो खींचे जा रहे थे तो शी वॉन्टेड सम टू बी डिल। मैंने कहा मान साहबा आपके घर पे पहुंच जाएंगे। खैर वो सेशन हुआ, उनकी तकरीर हुई और वो तो इस वसाहत से बोलते थे मैं बयान नहीं कर सकता, खासतौर से फिल्मों के बारे में। तो उनको बड़ा दुख और तकलीफ से उन्होंने कहा कि जो फिल्में बन रही हैं, जो म्यूजिक दिया जा रहा है, मेरी नजर में वो म्यूजिक नहीं है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि भाई एक गाना मैंने सुना था इश्क निकम्मा, भाई का इश्क निकम्मा होता है, चाहे किसी औरत से हो, चाहे किसी बस की हो या अल्लाह से, निकम्मा नहीं हो सकता। बहरहाल वो सेशन खत्म, इनॉग्रल फंक्शन खत्म हुआ, पहला सेशन नौशाद साहब को चेयर करना। तो लोगों ने कहा कि इसके बाद ये सेशन चेयर करेंगे। मालूम हुआ कि सब लोग जो थे चाय पी के फिर आग बैठ गए उनको दोबारा सुनने के लिए। बहन कह दिए कि वो फंक्शन खत्म हो गया, इसमें एक लतीफा है, अभी तारा पर याद दिला दिया, सुना था कि वो फिर मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के आया, वो बम्बई पहुंच गए, काला कह रहे गौरी साहब बड़ी सितम हो गया। मैंने कहा सर फरमाई क्या हुआ, कल मैं अपने दांत भुलाया डेंचर्स। तो साहब मैंने कहा पे कुछ अंदाजा है, बोले ख्याल नहीं। खैर वो घोड़े दौड़ा दिए गए इमीडिएटली महकमे के, भाई होटल में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, जहाँ जहाँ वो गए थे हर बाथरूम को चेक करो, बहरहाल मिल गया। तो मुझे ख्याल है कि अभी एक फ्लाइट बॉम्बे जा रही है, तो उसको लिफाफे में रख के पता लिख के उनका कहा कि कैप्टन को दे दो और कह रहा है कि बॉम्बे में कस्टम वाले आके ले लेंगे, उससे पहले बॉम्बे एयरपोर्ट से कह रहा था आई डी एवरीबडी देयर। तो मैंने कमिश्नर उस्मान जो असिस्टेंट कलेक्टर ड्यूटी पे था उसको कॉल किया और कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक लिफाफा आ रहा है, उसको कार्टर रोड पे नौशाद साहब का घर है, आशियाना उसका नाम है, एवरीबडी नोज, तो वहाँ उसको भिजवा दो। तो बाद में उसने इतला दी कि साहब वो झगड़ा हो रहा था कि मैं जाऊँगा, वो कह रहा था मैं जाऊँगा। तो तीन यूनिफॉर्म्ड अफसर कस्टम्स के वो उनके डेंचर लेके उनके पास गए, दंडे पेश किया और सलूट किया उनको और वापस आ गए। तो उनका टेलीफोन आया भाई आपके लड़के मुझे वो दे गए। तो कहानी शुरू होने के बाद अब मैं फैक्ट्स पे आता हूँ, ये मैंने कलेक्ट किए थोड़े दिन को मैं पढ़ूंगा क्योंकि इसको याद रखना मुश्किल है। नौशाद साहब वाज बॉर्न ऑन दिसंबर 25 1919। हिज फादर वाज ए मुंशी क्लर्क थे और बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, और नौशाद साहब का साथ दिया और इनको बचपन से ही म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने मुझे बताया, ये मैं जाती बता रहा हूँ, कहते कि मैं देवा के मेले में जाया करता था और वहां पे उस जमाने के बड़े बड़े म्यूजिशियन कव्वाल आया करते, उनको सुनता था, कहने सब एक फकीर बैठ के गाया करता था। वो दिन मेरे जहन में ऐसी चिपक गई, तब मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा राग गा रहा है, लेकिन वो जहन में चिपक गई। कहने बहुत साल के बाद मुझे वहां इन्वाइट किया गया एज चीफ गेस्ट, मैं गुजरा तो फिर वही धुन मेरी कान में पड़ी, रुक गया, अब कौन गा रहा है। तो एक जवान लड़का बैठा था, तो मैं उसके पास गया कि भाई ये तो मैंने पहले सुना था, वो कौन थे, बोले वो मेरे वालिद थे, वो गुजर गए लेकिन अब ये मैं गाता, बोले बाद में मुझे ख्याल है कि ये फलाना राग है उसके ऊपर आधारित है। फिर मैंने कुछ पैसे उसको पेश किए बच्चे को कि भाई ये तो मेरे जहन में चिपकी हुई धुन है। उसके बाद उन्होंने बताया कि साहब सबसे पहले उन्होंने एक म्यूजिक का दुकान थी उसके ऊपर नौकरी की, तो वहां पे पुराना हारमोनियम था, तो ये अपने शौक से बजाने लगे, उस वक्त तक किसी सीखा नहीं, थोड़े दिन में इनको अच्छी खासी उस पर मास्टरी हो गई। तो एक दिन उसने सुना तो कह लगे मियां तुम ले लो उसको, तुमको दे दिया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी उसको, वो अपने घर ले जाते क्योंकि वालिद को उनको मालूम रहता कि म्यूजिक कर रहा है लड़का, तो खुदा जाने उसमें क्या होता। उसके बाद यह हुआ कि
एक दिन उनको पता लगी गया आई एम जंपिंग द गन, तब उनके सामने बड़ा डिफिकल्ट फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा या तो चूज म्यूजिक और फैमिली आर होम, या तो फैमिली को चूज करो या म्यूजिक को चूज करो। तो उनका कि मैं माजरा चाहता हूँ, मैं म्यूजिक को चूज करूँ, और घर छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक थियोरेटिकल ग्रुप ज्वाइन किया, जूनियर क्लब उसका नाम था। इनका काम ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग, साइलेंट फिल्मों में डायलॉग नहीं होते था, सब जानते हैं। तो कुछ म्यूजिशियंस को वो अपने यहाँ रखते थे, उसमें एक हारमोनियम, एक तबला, एक सारंगी और सितार होता था। ये लोग पहले फिल्म देखते थे और ये डिसाइड करते थे कि हमको क्या बजाना है। तो जब फिल्म शुरू होती थी तो थोड़ा सा नीचे बैठा दिया जाता था, और फिल्म जब चलती थी तो उसके ऊपर ये अप्रोप्रिएट म्यूजिक बजाते थे। पहले तक लेते कि यहाँ पे सरनी का पीस आएगा, यहाँ इसका पीस आएगा, यही बजाते कि ये ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से ही इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट ऑर्केस्ट्रेशन म्यूजिक डायरेक्टर इन द कंपनी इन द फिल्म वर्ल्ड। वो आगे की बात यही बता दूं कि ही इज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर, जब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए कारदार कंपनी से बाहर निकल के, पहले कारदार फिल्म्स में नौकर थे, तो इन्होंने 10,000 रुपीज, आप सोचिए कि 10,000 रुपए 1949-50 की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन के लेते थे। ये अकेले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन या बैकग्राउंड म्यूजिक का पैसा अलग से लिया। उसके बाद एक स्टार थिएटरल कंपनी थी, वो ज्वाइन किया उन्होंने, वो यहाँ गोलागंज में थी। बस वहां पे फिर ज्वाइन करने के बाद इन्होंने उस्ताद भी किया, उस्ताद लखनऊ खान, विच मेड हिम कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज अ कंपोजर। इट सेड दैट ही हैड स्टडीड क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक अंडर उस्ताद हुरमत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन साहेब। उनसे ये सब मौसीकी सीखने का असर ये हुआ कि इनको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पर दस्तरस आ गया। और चूंकि यूपी के थे तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया का फोक म्यूजिक है उस पे उनको टोटल कुदरत हासिल है, फुली कन्वर्सेंट हो गया। खासतौर पर जिक्र करता हूँ मदर इंडिया के, मदर इंडिया के गाने जो थे वो हमारे जो नॉर्थ इंडिया का फोक संगीत है उसके ऊपर बेस थे। उसके बाद नौशाद साहब को ये हुआ कि अब बहुत हो गया, उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जो कि मिल गई गुजरात में, उसका सब पैसे खत्म हो गए, तो लड़ते भड़कते लोग वापस आए जिस तरीके से, तो कहने के अब क्या किया जाए, चलो बम्बई चलो। बम्बई गए और ब्रॉडवे थिएटर है साहब दादर में, मैंने एक अपने दोस्त के साथ ठहरे दो तीन दिन, जल्दी ठहर सकते थे, तो ब्रॉडवे थिएटर के सामने आके उस फुटपाथ पर उन्होंने बसेरा किया, वहीं सोते थे रात में, दिन में इधर उधर अपने टक्कर मारते थे कुछ मिल जाए। इसमें एक बड़ा उमदा किस्सा खुद उन्होंने बताया मुझे कि बहुत दिनों के बाद उसके सामने ब्रॉडवे थिएटर था, उसमें एक फिल्म रिलीज हुई, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर थे उस फिल्म के, इनका नोट है जो, तो ये वहाँ खड़े थे और उसका प्रोड्यूसर खड़ा था साथ में, बार बार सामने थे। तो उस प्रोड्यूसर ने कहा कि नौशाद साहब आप सामने क्या तलाश कर रहे हैं, बोले मैं ये बता रहा हूँ आपको ये फुटपाथ क्रॉस करने में मुझे कितना वक्त लगा। उस वक्त इनको साहब एक उस्ताद झंडे खां थे, उन्होंने अपने यहाँ 40 रुपए की मंथली इनकम उसके ऊपर सैलरी पे अपने यहाँ रख लिया। 40 रुपए हमको आज हंसी आएगी, 40 रुपए की सिगरेट नहीं मिलती शायद, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन 40 रुपए महीना उस वक्त बहुत हुआ। उसके बाद मुश्ताक हुसैन साहब का ऑर्केस्ट्रा था, उसमें आप शामिल हुए, और खेमचंद प्रकाश उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने इनको मुलाजमत दे दी 60 रुपए में, तो इट वॉज ए रेस फॉर हिम। लेकिन खेमचंद प्रकाश के बारे में उन्होंने किसी ने यूं कहा था, ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने फिल्मों में म्यूजिक देना सीखा है, कि फिल्मों का कैसे म्यूजिक बनाया जाता है वो खेमचंद प्रकाश से सीखा। उसके बाद कारदार साहब से मुलाकात हो गई, 1942 की बात है, तो ये कारदार स्टूडियो में इनको नौकरी मिल गई,
500 रुपए महीने। अब इन्होंने कहा तादाद फिल्मों के लिए फिल्में वो अपनी म्यूजिक बनानी शुरू की, करीब 12 फिल्मों की म्यूजिक बनाई उन्होंने वहां जिसके नाम है। लेकिन कारदार भी बहुत लार्ज हार्टेड आदमी थे, तो उनका कि हमको बाहर का काम करने दिया, तो उनका बाहर का काम आप कर सकते हैं, तो ये बाहर का भी काम करते थे। और बाहर की फिल्मों में ये हुआ कि एक फिल्म इन्होंने म्यूजिक दी जिसमें जैसे कि जो कारदार के लिए फिल्में बनाई वो थी साहब शाहजहां, दर्द, नाटक, दुलारी। अब इसमें शाहजहां का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। इसमें हमारे केएल सहगल साहब, उनका सबसे मशहूर गाना जब दिल्ली टूट गया तो हकीकत क्या करेंगे, ये उसी फिल्म का गाना है शाहजहां का। म्यूजिक कंपोज किया था नौशाद साहब ने, और ये भी कहा जाता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने ये वसीयत की थी जब मेरी अर्थी तो गाना बजाया जाए, तो ये गाना बज रहा था। अब यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक कर रहा हूँ कि उसके बाद इनकी शादी तय हुई लखनऊ में। इनके वालदैन ने लड़की वालों को बताया कि लड़का वहाँ दर्जी का काम करता है, तो आप आए। और आप जब बारात लेके जा रहे थे ये मुझे नहीं मालूम घोड़े पर थे कि मक्खी पर थे, और इन्हीं की एक फिल्म का गाना वो साथ में बाजे आता बजा रहे थे, और इसमें लिखा हुआ है ये उनकी हिम्मत नहीं थी कि मैं कह दूं कि गाना मेरा है, नहीं तो उस तरीके से पहुंचे। फिर एक वक्त आया साहब, उन्होंने कारदार साहब से कहा कि देखिए ऐसा है कि हालांकि ये कहा बढ़ के 1000 रुपया हो गई थी, तो बाहर का भी काम मिलता था, तो लोगों ने कहा कि तुम नौकरी क्यों कर रहे हो, तो कहने लगे कि भाई मैं फुटपाथ से उठ के आया हूं, मैं डरा हुआ हूं, 1000 रुपए की सैलरी पर मंथ मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है कि भाई 1000 तो मिल जाएगा। फिल्म मिली न मिली, आप इंडिपेंडेंट फिल्म हो जाएंगे तो मिली न मिली वाली बात होगी, 1000 रुपए तो मिल रहे। फिर उनका आधार साहब का कि साहब अब ऐसा है कि मुझे आप पार्टनर बनाइए, मैं खाली इसके ऊपर काम नहीं करूंगा। करता साहब ने ठीक है, उन्होंने कंपनी फ्लोट कर दी, इसमें दोनों पार्टनर थे, तो अगर फिल्म जो वो बनाते थे नेचुरली इसमें इनका हिस्सा हो गया। उसके बाद ये हुआ कि 1950-48 में ये उन्होंने फिल्में बनाई हैं, रत्न 1944, मेला 1948, चांदनी रात 1949 और बाबुल 1950। इन फिल्मों के गाने आज भी हम लोग पसंद करते हैं। महबूब खान की 5 फिल्में बनाई, उस वक्त ये इंडिपेंडेंट काम करते थे कारदार की नौकरी करते हुए, अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, अंदाज और आम, ये दिमाग की पूरी फिल्म है। अनमोल घड़ी में नूरजहां ने एक्ट किया और गाया, वो आज भी वो गाना हमारे ज़हनों में गूंजता है, आवाज दे कहां है, आवाज दे कहां है, ये गाना उनका वो सब गाया गया। उसके बाद योवा साहब ये लोग बड़े कम पैसों में काम करते हैं। एक चांस इनका मुलाकात हो गई लाहौर बेस्ड म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब, तुमने कहा कि तुम लोग अपने को अंडर सेल कर रहे हो, तुम लोग 5000-10000 में फिल्म बना देते हो, म्यूजिक उसकी देखो, मैं आया हूँ कि आसिफ की फिल्म के लिए काम करने, मैंने 20,000 डिमांड किए और मुझे दे रहे हैं, तो ये ख्याल हुआ कि भाई ये तो सही कह रहा है, वो तो 20,000 दे रहा है और हम 2000 में फिल्म में काम कर देते हैं। उसके बाद नौशाद साहब ने बाई 1949 नौशाद वॉज रेडी टू कमांड एंड डिमांड इज रियल वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनली इट टू करंट इन हैंड and told Kardar sahab that he is no more ready to work on salary or on partnership. और उसके बाद मुझसे कान मिला तो मैं तो एक फिल्म बनी दीदार, हम सबको याद है दिलीप साहब की शानदार फिल्म थी, तो दीदार के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से 1,00,000 रुपया मांगा, 1,00,000 1951 की बात हो रही है, 1,00,000 रुपया तो ये हुआ कि साहब 1,00,000 कौन देगा म्यूजिक के 1,00,000। तो जब ये बात फैली तो जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे जो एक्चुअली मनी लगाते हैं उन्होंने प्रोड्यूसर का नथिंग डूइंग, तुम्हारी पूरी दीदार की कहानी म्यूजिक के ऊपर बेस करते हैं और अगर म्यूजिक कमजोर हुई तो फिल्म नहीं चलेगी। नौशाद 1,00,000 मांग रहे, 1,02,000 1,00,000 लिया, और ये भी कि 10,000 तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के लूंगा, उसको ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कहते हैं। ये साहब ये उस वक्त की बात है, 1,00,000 रुपया जब खबर फैली तो बड़े
म्यूजिक डायरेक्टर लाइक एस डी बर्मन, खयाम, सलोल चौधरी वेर चार्जिंग 25,000 रुपया एक फिल्म, और इन्होंने 1,00,000 मांगी और 1,00,000 मिले, लेट हो गया था। सी रामचंद्र बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो अपने को नौशाह से किसी 10,00,000 कम नहीं समझते, उनकी अपनी अना थी कि मैं से कोई कम कमजोर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूं। वो उन्होंने 1955 में 1,00,000 रुपया कमांड किया अकेले सी रामचंद्र, वो उनका 1,00,000 रुपया पे हम आएंगे तब लोगों ने दिया उनको, लेकिन तब तक नौशाद था पता नहीं कितनी फिल्में करके 1,00,000 रुपया लेके। He has always been the highest charging composer in Indian film industry. Another big leap to his credit was his demand for sharing royalty. इन्होंने रॉयल्टी का एक मसला दो जगह पे खड़ा हुआ। मदर इंडिया जब बनी तो इन्होंने महबूब साहब से कहा कि आपकी फिल्म की कामयाबी में बहुत कुछ हिस्सा मेरी अपनी म्यूजिक का है, तो मुझे पहले म्यूजिक की रॉयल्टी प्रोड्यूसर को जाती थी, क्योंकि आपने भाई म्यूजिक बनाने के पैसे ले लिए प्रोड्यूसर से, अब जो रॉयल्टी जाएगी वो उनको जाएगी। महबूब साहब अगेन वाज वेरी लार्ज हार्टेड, ही सेड कि मैं इस कंट्रीब्यूशन का आपको तस्लीम करता हूँ, मैं इसका रॉयल्टी आपको दूंगा। दूसरा रॉयल्टी का झगड़ा इनका हुआ था जब इन्होंने कहा था कि हर फिल्म का गाना जो रेडियो पे बजाया जाता है उसकी रॉयल्टी ही प्रोड्यूसर को जाती है, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को भी मिलनी चाहिए। इसके ऊपर लता मंगेशकर ने ये कहा कि नहीं मिलनी चाहिए, हमको अपनी मेहनत का पैसा मिल गया, हमने जो मेहनत की उसका पैसा हमें मिल गया, तो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ रॉयल्टी। बहुत दिन तक झगड़ा रहा और बहुत दिन तक लता मंगेशकर और रफी ने एक साथ गाना नहीं गाया। अब यहाँ पे एक और आता हूँ साहब, जब नौशाद साहब इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर बने तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम जो था गायकों में वो तलत महमूद थे। थोड़े दिन के बाद ये हुआ, लोगों ने महसूस किया अब तलत महमूद को ये पीछे कर रहे हैं और ये रफी को बढ़ा रहे हैं, तो ये लोगों के सहन में सवाल है क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उसमें किस्सा बताया जाता है जो राजू हसन अपनी किताब में लिखा है कि किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, रिकॉर्डिंग होने वाली थी, ये म्यूजिक डायरेक्टर और ये गाने वाले आके बैठ गए, साजिंदे अपना साज सजा रहे थे, या आपको मालूम होता है कि उस वक्त पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बैठता था और एक गुम रिकॉर्डिंग होती थी, एक लफ्ज में या कोई सुर में आगे पीछे हो गया तो रोक दिया गया और फिर से रिकॉर्ड किया। तो ये जब दोनों लोग बैठे हुए थे तो तलत महमूद साहब ने एक सिगरेट निकाली, सुलगाली और पीने लगी। लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, दो बातें, एक तो तुम जूनियर थे, नौशाद तुमसे बहुत सीनियर थे, दूसरे तुम दोनों लखनऊ के थे, ये लखनऊ तहजीब के खिलाफ था कि कोई छोटा बड़े के सामने सिगरेट भी वो भी इजाजत दिए बगैर। राजू वार्तन अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इतने खफा हो गए उनसे कि आपने उनको धीरे धीरे पीछे कर दिया। इससे ज्यादा ह्यूमिलिटी किसी शख्स में नहीं थी, बहुत ज्यादा नर्म मिजाज, बोले सर्टेनली नॉट। क्या उस वाक्य का मेरे जहन में हो भी दिए, उनका कहना यह था कि तलत महमूद साहब का एक लिमिटेड रेंज है, वो हमारी हर किस्म का गाना नहीं गा सकते। Is it, I acknowledge that he is one of the finest singers. आपने ये तलत महमूद का जिक्र किया, तलत महमूद तो उनके पसंद है, ठीक है उनकी अपनी इज्जत है, अपनी अजमत है, सब है, बहुत एक अच्छा मुकाम है, लेकिन अगर आप यूरो के तलत ने कुल कितने गाने हैं, बहुत शायद आपको ताज्जुब होगा, कुल 750 गाने उन्होंने तलत ने गाए। सुन ली जी, कुल 1983 के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास भी महफूज है, मुझे वो थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी, 1983 की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है कि मोहम्मद रफी और लता ने 20,000 से 25,000 के बीच में गाने गाए। तो आप अदा कर लिए दोनों के स्टेटस में, दोनों के रेंज में, दोनों के बहुत अदा फर्क। अच्छा यही एक चीज और याद आ गई मुझे कि लता मंगेशकर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नौशाद साहब ने हर किस्म की म्यूजिक दी, क्लासिकल फोक, लोग ये कहते थे कि वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा को हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा को भी उन्होंने हैंडल किया कई फिल्मों में। साथी में तो बहुत ज्यादा जैज़ी इस्तेमाल, फोक ट्यून्स
स्पेशली थी, उसके लिए ऐसी ऐसी बात बना दी उन्होंने। उसके बाद अब एक फिल्म आई सुना था बैजू बावरा, तो बैजू बावरा के फिल्म के लिए उन्होंने ये कहा, वो मन तड़पत है दर्शन को आज एक उन्होंने भजन बनाया। इसकी खूबसूरती ये है कि इसको लिखने वाले शकील बदायूनी थे, गाने वाले मोहम्मद रफ़ी थे और डायरेक्टर नौशाद। सबसे मेरे नज़दीक इससे बेहतरीन भजन कोई नहीं बना। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी सर कोहलू, हम सब ने देखी अपने बचपन में, उसमें गाना था राग अहिर में मधुबन में राधिका नाचे, जब वो धुन बन गई सुनाया गया तो प्रोड्यूसर ने कहा नहीं भाई ये बहुत हैवी, ये बहुत भारी है, ये जनता को नहीं पसंद आएगा, अर्थात उसको बदल दीजिए या इसको ड्रॉप कर दीजिए या इसकी कुछ उसको सॉफ्टनिंग कीजिए। तो अर्षाद ने कहा नहीं साहब ये बहुत अच्छी धुन बनी है। उस पर रफ़ी साहब आगे आए, उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि इसके गाने के पैसे नहीं मुझे डायरेक्टर को तो आप जो दे रहे हैं देंगे, गाने के जो मेरे पैसे बनते हो मैं नहीं दूंगा, अगर ये कामयाब हो जाए तो मुझको आप इसका जो मेरी फीस बनती दे दीजिए। फिर मैं गाना आया, अरे साहब वो तो ऐसा हिट हुआ कि आज तक हिट, आज स्पेशल। जब कामयाब हो गया तो प्रोड्यूसर साहब गए कि भाई ये आपका मेहताना, तो उनके साहब शुक्रिया ये मेहताना मिल चुका है, किसने दिया बल्कि जनता दे दिया, अब मुझे आपके मेहताने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनल मेरा वो है कि मैं उनके कई बार उनके घर पे गया, आशियाना रोड, आशियाना उसका नाम है कार्टर रोड, तो म्यूजिक रूम उनका है, मैं भी जाके बैठा तो कहने लगे कि मियाँ मियाँ बैठे हैं इसी जगह पे बैठा के मैंने बोले लता भाई को मैंने बहुत गाने सुना। मैंने एक चीज आप नोटिस की वहां पे, बल्कि दो चीजें इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। सारे जितने गाने वाले बड़े बड़े उनको नर्चर रफी तल 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 महमूद लता मंगेशकर मन्नाड सत्य गाने वाले उनके कमरे में सिर्फ एक चीज लगी थी, वो थी पंडित भीमसेन जोशी। तो ये ख्याल हुआ कि साहब कोई और तस्वीर नहीं है, तो मैंने पूछा कि साहब ये तस्वीर जो है यहाँ से भीमसेन जोशी इसकी कोई वजह? तो बोले साहब देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में पंडित भीमसेन जोशी से बड़ा सिंगर इस मुल्क में नहीं है। ये बात भी सही। पहले एक और बात है मेरी पर्सनल की, एक जमाने में हसीना मुई ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी है तानसेन को, मेरा मुझे ख्याल है कि तानसेन फिल्म बननी चाहिए, जवाब ही नहीं। कहले फिर ख्याल है कि वो सीन जिसमें राग दीपक गाया जाए तो कौन गा सकता? कहले कि वो सिर्फ पंडित भीमसेन जोशी और कोई नहीं गा सकता, इसलिए मैंने उसको वहां पे मेरे नजदीक इससे बड़ा सिंगर नहीं। दूसरा बड़ा उमदा वाक्य उन्होंने सुना, उसके बाद मैं रिपोर्ट बहुत कह के लेकिन मैंने उनकी जबानी सुना। कहले गए साहब कियासी साहब की फिल्म मुलाजम बन रही थी, तो वो सीन डिस्कस हुआ अकबर के दरबार में, रात में तानसेन गा रहे हैं और अनारकली दिलीप कुमार सर शराब फिल्म से मिल रही है, तो कहीं ये कौन गाए? तो ये कहते हैं कि मैंने कहा कियासी साहब से उसको सिर्फ एक साथ गा सकता हूँ, मैं बड़े बड़ा नहीं हूँ, बोले टाइम लीजिए मैं चलता हूँ, और वो यूँ सिगरेट लगा के यूँ करके पी गए उनका अंदाज। कहते साहब हमने उनसे टाइम लिया उनका आइए, बहुत देर हो गई साहब। उसके बाद वो उठ के अंदर गए और बुलाया कि नौशाद तुम अंदर आओ। उस जमाने में गाने के 500 से 1000 रुपया मिलता था छोटे गवैयों को, हमारे सिंगर्स को 500 मिलते तो लता मंगेशकर रफी मतलब 1000 कहने के बाहर आए और उनका कि ठीक है गा लूँ 25000 रुपये उन्होंने मैं हाथ डाला 10000 रुपये गड्डी निकाली। बोले साहब ये एडवांस है
और बाकी आपको रिकॉर्डिंग आप तो फंस गए तो आए पहले मुझे आप सीन दिखाइए, पहले आप सीन को रिकॉर्ड कर लीजिए जहाँ मुझे गाना है, तो सीन की रिकॉर्डिंग करके उनको दिखाई गई। कह लगे फिर वो फिल्म उसको दबाया गया कि क्योंकि आवाज़ बड़े बड़ा साफ उठेगी तो इसलिए फिल्म के जो सीन को थोड़ा सा उनका टेक्निकल टर्म में दबाई गई। और वो जब उनको दिखाया गया तो उनका हाँ मैं ऐसे गाऊँ और वहीं बैठ के जब सारे रिकॉर्डिंग खड़े होती तो इको के लिए क्या किया जाए तो एक बाथरूम में उनको ले जाया गया और सर्टेन स्टेंजा ऑफ दैट सॉन्ग वेयर सन इन द बाथरूम तब तक इको मशीन बनी नहीं थी। इसलिए कस्सा मुझे उनको बताया कि जब ये मदर इंडिया बन गई थी तो इसकी फाइनल जो प्रोसेसिंग होती वो लंदन में हो रही थी। बोले किसी बात पे मेरा और मेहरू खान साहब का कुछ अंदर हो गई, वी वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, लेकिन दोनों प्रोफेशनल थे। सुबह 10 बजे स्टूडियो में मिलते थे, शाम के 5 बजे तक काम करते थे, बात नहीं करते थे और फिर अपने अपने होटलों में चले जाते थे। लेकिन उन वो कहते हैं कि जितनी इज्जत मैं महबूब खान के एज ए फिल्म मेकर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो दो ही लोगों का नाम लेते थे कि जो एग्जैक्टिंग फिल्म बनाने वाले लोग थे वो कियासिफ थे, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे किसी चीज के लिए, परफेक्शनिस्ट थे, और वही महबूब खान साहब का। एक और खास बात यह है कि साहब उन्होंने 86 साल की उम्र में 2005 में एक फिल्म ताजमहल की शायद अकबर खान ने बनाई थी, तो ये वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर जिसने 85 साल की उम्र में एक फिल्म का म्यूजिक किया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र करूंगा कि नौशाद साहब वाज रिसीवर ऑफ सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण इन 1981, ही वाज अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एक ह्यूज टाइगर वो क्या एक उसने रखा हुआ था, तो ये बात मालूम हुआ शिकार के और उस वहां पे गया शिकार के उनके जो पार्टनर थे वो जानी वाकर साहब वो मेरे पास एक तस्वीर है हाँ, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है उनकी कि वो शेर के साथ जो खिंचाई तस्वीर खिंचाई जाती थी वो वाली एक तस्वीर है। ये बात है मेरी कील एंगलर मछली, तो मुझे बताया कि पोवाई लेक पे मैं जाता था सुबह अर्ली मॉर्निंग और मैं लगा के बैठ गया और सुकून के साथ पता चले कितनी फिल्मों का धुन मैंने वहां बैठ के बनाई। उता जिंदगी महाराष्ट्र एंगलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपने पीछे 6 लड़कियां और 3 लड़के छोड़े, उनकी एक ही जो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ही ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग ए म्यूजिक एकेडमी नेम्ड आफ्टर हिम, ही मेड कंसिडरेबल एफर्ट टू ऑब्टेन द लैंड अलॉटेड फॉर द पर्पस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन वो आखिर वक्त उसमें कामयाब नहीं हुए और वो उनका ख्वाब शर्मिंदा तबीयत नहीं हो सका। लेकिन उनकी मौसीकी आज भी जिंदा है, वो हमारे दिलों में वैसे ही जिंदा है जैसे कभी वो रहे होंगे। मेरा भी एक साफा था नौशाद साहब से 93 में, मैं एक सीजन बना रहा था किनारा दूर नहीं, तो क्योंकि नौशाद साहब लखनऊ में थे तो ये हुआ साहब म्यूजिक उनसे कराएंगे। अब हम लोग वी वेरी यंग एट द टाइम मस्ट बी 25 26
पहुंच गए, बजट बजट का तो कोई हिसाब था नहीं कि बजट क्या होता होता है। अब अच्छा उनके पास जमाने में वक्त काफी हुआ करता था, तो वो वहां पे हम बात पहुंचते थे उससे पहले कम से कम 3-4 घंटे मुझे बैठाते। अब वो 3-4 घंटे हम लोग को ग्रेट किस्सा कहानियां सुनाते थे आप, और खासतौर से उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मुगले आजम। उन्होंने मुझे 3 बार मुझसे मिला उस सिलसिले में, तीनों बार उन्होंने मुगले आजम का सिलसिला और उनके घर में बड़े बड़े किनारा तो नहीं, दूरदर्शन ने अप्रूव कर रखा है उसको, मैं उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से कहा कि मियां मैं आपसे एक पैसा ले नहीं सकता हूँ, आप लखनऊ में और मेरे बच्चों की तरह मैं आपसे एक पैसा नहीं ले सकता, लेकिन मेरे साजिंदों की कीमत होती है और वो साजिंदे मेरे साथ जो है उनकी अच्छी खासी एक तादाद है, वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। सही कहा। हाँ, तो ऐसा है सिंथेटिक म्यूजिक पे जाओ। और उन्होंने साहब इतने मतलब मोहब्बत से मुझे जो है मना किया, रास्ता भी बता दिया। मेरे को नौशाद साहब से जो मुलाकात हुई वो मेरे चचा ही हैं हसन कमाल साहब, लखनऊ शहर के हैं, शायर भी हैं, ब्लिट्स में भी ब्लिट्स के एडिटर रहे हमारे, उनके चचा भतीजे के रिश्ते हैं और शुरू से ही मैं उनके घर पे ही ठहरता रहा हूँ बांद्रा में, जहाँ नौशाद साहब रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए आते थे। एक सिलसिला था कि हम हसन कमाल साहब के यहाँ ठहरे हुए हैं और नौशाद साहब मॉर्निंग वॉक करते हुए हसन कमाल साहब के यहाँ आते थे, एक प्याला चाय पीते थे और गपशप होती थी। अगर हम होते थे तो फिर वो लखनऊ के सिलसिला शुरू हो जाता था। नौशाद साहब अपने तमाम दोस्त यहाँ पर जो पत्रकार थे, अमीन सनोलवी साहब और उनके जो पब्लिशर दोस्त थे नसीम इनोलवी साहब, और उस जमाने की पत्रकारिता कैसे होती थी, कैसे साइकिल पर जाते थे और क्या क्या सब उनके एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि लखनऊ से बेपनाह मोहब्बत थी और उनको ये लगा कि भाई प्रदीप लखनऊ से आए हैं तो मैं अपने तजुर्बे जो लखनऊ के हैं वो सब बताऊँ। तो वो उस तरह की तमाम बातें लखनऊ के बारे में पूछा भी करते थे हमसे कि भाई अब क्या हो गया, अब क्या बदल गया, कैसा है, और उनके जमाने में क्या था, किस तरीके की पत्रकारिता होती थी, वो सब बताते थे। और उसके बाद जब लखनऊ आते थे तो उनकी ये ख्वाहिश रहती थी कि प्रदीप कपूर सारा काम छोड़ के नौशाद साहब स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई मार्ग पर ठहरे हों, चाहे वो गोमती होटल में ठहरे हों, चाहे वो कहीं भी ठहरे हों, उनके साथ रहे, उनके साथ घूमें जाएं फिरें, ये उनका एक रहता था जब तक एयरपोर्ट पर उनको छोड़ ना दिया जाए। तो हम भी अपने एक बुजुर्ग का जो है उस तरह से साथ देते थे कि भाई साथ रहना है। तो उस साथ रहने में कई तरह के तजुर्बे हुए कि एक दिन जैसे मैं मिलने गया नौशाद साहब से, तो नौशाद साहब ने कहा कि यार प्रदीप कोई बाहर से तुम्हें मिलने आता होगा तो तुम लखनऊ घुमाते होगे, चलो आज गाड़ी में हम और तुम बैठते हैं, मैं तुमको लखनऊ घुमाता हूँ जो 50 साल पहले जो मैंने लखनऊ छोड़ा था तब क्या था। तो हम नौशाद साहब के साथ अपना घूमना शुरू हुए तो लखनऊ के हजरतगंज से लेकर तमाम चीज़ें जो 50 साल पहले उन्होंने छोड़ा था तब क्या था, करते करते फिर वो हमको जो है मॉडल हाउस में ले गए, कोने पे गाड़ी रोकी, बोले कि यहाँ पर जो है टायर ट्यूब पंचर बनाने वाले शख्स हुआ करते थे जो साइकिल किराए पे देते थे, लेकिन हमारी नाटक मंडली जो लड़कों की हुआ करती थी उसको फाइनेंस करते थे। तो मेरे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है कि यहाँ पर वो थे और हमको अपना हम लोग अपना नाटक मंडली किया करते थे। उसके बाद फिर हम लोग गए बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा में आपको याद होगा कि बीजेपी की सरकार जब 91 में आई तो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वहाँ पे वो जो टाट पड़े रहते थे और फैमिली पुस्त दर पुस्त रहती थी वो सब हटा दी गई थी। तो नौशाद साहब को नहीं पता था, हम दोनों पकड़े इमामबाड़े के सामने खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि ना टाट है ना वो लोग हैं। तो अचानक उन्होंने इंस्टेंट एक शेर कि कहाँ गई वो बस्तियाँ, कहाँ गए वो लोग, कहना शुरू किया उन्होंने। और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये जमाने से हम लोगों को देखते आ रहे थे, हम लोग भी बचपन से जब बड़े मामले जाते देखते थे कि वो टाट पड़े रहते थे और लोग रहा करते थे। तो खैर फिर उन्होंने बताया कि भाई जब मैं कम उम्र का था या बड़ा मामला आता था तब कैसा था, अब ये चेंज हो गया। उस तरह की करते करते हम लोग गोल दरवाजे पर पहुंच गए। गोल दरवाजे से धीरे धीरे हम लोग चलते रहे, फिर असगर अली मोहम्मद अली की बाएं हाथ की तरफ एक बिल्डिंग आई तो उन्होंने बताना शुरू किया जी हिना मंजिल। हाँ, उस जमाने में पूरी पूरी बिल्डिंग वैसी ही थी, तो उन्होंने बताया कि साहब वो पार्टीशन के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग यहाँ पर रहा करते थे, ये सब करते करते आगे बढ़े। तो अचानक उन्होंने कहा कि देखो यार यहाँ ऊपर कोठे हुआ करते थे और अचानक एक कोठे के नीचे खड़े होकर उन्होंने कहा कि फलां बाई का कोठा था और मेरी उम्र 14 साल की थी, मैं कोठे पर जा नहीं सकता था, लेकिन वो पक्के राग में गाती थी,
घर पे म्यूजिक बैन था, जैसा कि अभी तारिक गौरी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा कि घर पे म्यूजिक बैन था, बुरा समझा जाता था, मुझे म्यूजिक पे शौक था, तो मैं इसी चबूतरे पे बैठ के फला बाई का गाना सुना करता था। अब बताइए कि नौशाद साहब खड़े हुए और मैं खड़ा हूँ और वो उसी चबूतरे पे वो बता रहे हैं कि फला बाई थी। इतने में धीरे धीरे लोगों ने पहचानना शुरू किया कि नौशाद साहब खड़े हुए, तो पता चला 50 उधर से 50 इधर से लोग आ गए कि अरे नौशाद साहब आप हमारे बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। तो खैर फिर उन लोगों ने भाई कोई चाय ले आया, कोई कुछ ले आया कि नौशाद साहब हमारे मोहल्ले में है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। फिर टहलते टहलते अपना वो और उस गली के बारे में पुराने किस्से अपने बताने लगे करके हम लोग टुंडे के यहाँ गए। तो मैंने टुंडे से कहा भाई नौशाद साहब खड़े हुए, तो वो एकदम घबरा गया। अरे बोला कि भाई मैं अभी जरा रुक जाइए, मैं अभी कबाब दोबारा बनाता हूँ, मैं पराठा करता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब उनके नाम से ही। अरे हमने कहा भैया जो है वही खाएंगे, इसी के लिए वो आए हैं यहाँ पर, पूरा सफर जो हो रहा है वो अपने तरीके से दिखाते हुए। और उस रास्ते से हम लोग निकले और उस रास्ते में जितनी भी तमाम बिल्डिंग थी उन सब के इतिहास के बारे में अपनी नजर से वो सब बताते रहे। तो वो एक मौका कि मतलब मुझे लखनऊ शहर नौशाद की नजर से जो 50 साल पहले उन्होंने छोड़ा था वो हुआ, कि जैसे मेडिकल कॉलेज के सामने से पास हुए बोले कि मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ था, ये हुआ था, हर चीज के बारे में एक रनिंग कमेंट्री उनकी अपनी चल रही है। तो एक बड़ा मुश्किल होता है किसी को कि इस तरह का साथ मिले कि जो इतना बड़ा आदमी और वो इस तरह से बता रहा। हम बिल कितने थे इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद कि एक बार आए मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे दिलीप अवस्थी थे, इंडिया टुडे में थे, और हम दोनों प्रेस क्लब जा रहे थे। तब तक नौशाद साहब लखनऊ में आए, उनका फोन आया कि भाई मैं आ गया हूँ, कार्लटन में हूँ। तो फिर मैंने दिलीप अवस्थी को फोन किया कि भाई नौशाद साहब आए, चलो तुमको मिलवा देते, तो पहले हम लोग नौशाद साहब के पास चलेंगे। दिलीप अवस्थी आए, हम लोग चले गए। मैंने कहा कि सर ये मेरे दोस्त हैं दिलीप अवस्थी, इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ हैं, और खास बात यह है कि इनके फादर जो हैं यहाँ के म्यूजिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये सुनना था कि नौशाद साहब खड़े हो गए, गले से लगाया, दिलीप अवस्थी को कहा कि भाई तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो जो म्यूजिक की शिक्षा दे रहा है, अरे मुझको अगर कोई और उनके सिखाए हुए लोग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पता नहीं क्या क्या म्यूजिक दे रहे हो। बोले मैं बदनसीब हूँ कि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, वरना मैं भी कहीं पहुंच जाता। मैंने कहा सर जहां आप पहुंचे हैं वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन वो कितने हम्बल। एक मजेदार वाकया हुआ कि लखनऊ की एक सोशलाइट जो है वो पीछे पड़ गए कि नौशाद साहब हमारे घर में जो है आप नाश्ता कर लेते, तो हम और नौशाद साहब उनके नाश्ता करने गए। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जो है गाना गाना शुरू कर दिया कि सर जरा गाना भी सुन लीजिए। अब इतनी बेसुरी आवाज में उन्होंने गाया और उसके बाद जो है वो नौशाद जैसे आदमी से जो दांत चाहे, तो जब बाहर निकले बोले कपूर साहब ये महंगा पड़ गया नाश्ता, कि भाई अब बताइए मैं क्या करूं, बेअदबी हो जाएगी अगर कुछ और कह दिया तो। लेकिन था एक चीज नौशाद साहब के जहन में रहती थी उस जमाने में, वो हमसे कहते थे कि लॉस एंजलिस में गए तो वहां के मेयर ने गोल्डन की दी, फला जगह गए तो हमारा सम्मान हुआ, और पूरी दुनिया में मेरे म्यूजिक का रिकॉग्निशन है और लखनऊ में मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, और अगर अपने ही शहर में सम्मान नहीं हो रहा है तो फिर बाकी दुनिया के किसी भी देश में सम्मान हो उसका क्या मतलब है। तो बहरहाल माहौल बना, मोतीलाल वोरा यहाँ गवर्नर थे, सरकार ने उनका सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रोग्राम बनाया। तब भी बॉम्बे से फोन करके मुझसे कहा कि कपूर साहब ये देख लीजिएगा कि लखनऊ का मेयर जरूर आए। अरे मैंने कहा यहाँ का मेयर जो है वो अखिलेश दास है, उससे हम कह देंगे वो आएगा, लेकिन यहाँ तो पूरी सरकार ही आपका सम्मान कर रही है। खैर उस सम्मान समारोह में दिलीप साहब भी थे और सुनील दत्त भी थे, और बहुत बड़ा हजरत महल पार्क में हुआ था, बहुत बड़ा सम्मान हुआ था। जब हो गया उसके बाद जब हम मिलने गए बोले अब तसल्ली मिली कि मेरे लखनऊ शहर में मेरे अपनों के बीच में सम्मान हुआ, वरना दुनिया में सम्मान हो रहा था और यहाँ पे सम्मान ही नहीं हो रहा था। फिर आप देखिए किस तरीके से नौजवान लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गया और हम दोनों बैठे हुए थे फ्लाइट में, टाइम था, तो एक नौजवान आदमी आया चार लोगों के साथ और एकदम से आते ही उसने जो है पैर छुए उनके और कहा कि नौशाद साहब मेरा नाम उदित नारायण है, गाना गाना अभी शुरू किया है और मुझे पता चला कि आप यहाँ पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपका आशीर्वाद ले लूँ।
और एक गाना शायद आपकी नजर से गुजरा हो कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नौसार साहब खड़े हुए, उदित नारायण को गले से लगाया कि मैं ही क्या, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा गाना गा रहा है और तुम आगे चल के बहुत नाम कमाओगे, ये मेरी दुआ है। तो ये एक इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उनकी जो हम्बलनेस थी। एक बार क्या हुआ कि मैं हसन कमाल साहब के यहाँ ठहरा हुआ था और रोजे का वक्त आया तो हसन कमाल साहब बोले कि यार प्रदीप इस बार सोचते हैं कि रोजे रख लिया जाए, लेकिन अब अकेले कैसे रखे, तो हम तो ठहरे ही थे उनके यहाँ। तो मैंने कहा मैं आपका साथ दे दूंगा। बोले हाँ ठीक है। तो बोले सुबह मैं सहरी के वक्त तुमको उठाऊंगा, तो भी हो गया। उसके बाद शाम को जब जाते थे ब्लिट्स में तो रूसी करंजिया को पता चला कि प्रदीप कपूर भी रोजे रख रहे हैं, तो बोले आई एम टोल्ड दैट यू आर आल्सो कीपिंग फास्ट विद हसन कमाल। तो ये जब बात नौशाद साहब को पता चली तो तीसरे ही दिन जो है कीमे के कोफ्ते खुद बना के लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो प्रदीप ऐसा है कि अगर तुम हसन कमाल के रह के रोजे रख सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कीमे के कोफ्ते बना के ला सकता हूँ। तो लोग म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में तो जानते हैं, लेकिन वो खाना कितना अच्छा पकाते थे, ये उसका स्वाद वो हम ही को मिला। और वो जिस तरीके से अपनी जो शिकार की कहानियां और किस तरीके से अपना जो मछली का शिकार था उसकी कहानियां और इस तरह की तमाम चीजें जो हैं, जैसा कि अपने तारिक भाई ने कहा कि वो अपने मुगले आजम की कहानियां, क्योंकि हम इतना वक्त उनके साथ गुजारा के साथ बैठ के किससे कहानियां बहुत सुकून से सुनाते थे। और उनकी पर्सनैलिटी, मतलब एक म्यूजिकोलॉजिस्ट तो सभी जानते हैं म्यूजिशियन, लेकिन एक इंसान कैसे थे उसको एक नजदीक से देखने का मौका मेरे को उनके साथ वक्त गुजारने से मिला। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक गर्व करने की बात है कि मुझे एक मौका मिला उनके साथ गुजारने का। नौशाद साहब की ऑटोबायोग्राफी भी आ गई है, एक जमाने में सीरियलाइज हुई थी शमा और सुषमा में, वो किताबी शक्ल में है, मेरे पास मौजूद है मेरी लाइब्रेरी में। नौशाद साहब ने उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया है। एक बहुत अहम बात है कि मोहम्मद रफी साहब जब लाहौर से बॉम्बे आए और नौशाद साहब की फिल्म रतन जो है वो सुपर हिट हो चुकी थी, उसके गाने कहा ये जाता है, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे कि उस तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिट वही गाने थे जी, रतन का गाना बज रहा था। तो मोहम्मद रफी साहब से किसी ने कहा कि भाई वहां तक तो आपकी एक्सेस नहीं हो पाएगी, तो मोहम्मद रफी साहब लखनऊ आए थे और उनके वालिद साहब से, नौशाद साहब के वालिद साहब से एक सिफारशी खत ले गए थे। अच्छा, तब तक वो नाराजगी दूर हो गई थी, इसलिए उनकी शोहरत बहुत नौशाद साहब की हो गई थी। तो वो अभी शाहजहां फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी की भी ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाने लिखे थे, और एक गाना जो सहगल साहब के सभी गाने थे, उनकी गजल बहुत हिट हुई थी, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। उसके बाद लेकिन मजरू का उनका साथ फिर अंदाज में हुआ और उसके बाद यह मेरे ख्याल से और उसके बहुत बाद साथी में, तो मजरू सुल्तानपुरी जो बाद में उनके समधी भी बने, यानी नौशाद मजरू साहब की बेटी की शादी राजू नौशाद से हुई और वो शिकार के उनके साथियों में मजरू साहब भी, इसलिए मजरू साहब के घर पे भी तस्वीरें लगी हैं और वो शेर भरा हुआ है और नौशाद साहब वो लोग खड़े हुए, तो एक टीम वो थी। मैं ये सोचता हूँ आज मैं कि जो वैरायटी देखिए नौशाद साहब के यहाँ आए, एक तरफ वो ऐसा उन्होंने भजन जिसको आप सब लोगों ने कहा कि शायद उससे बड़ा भजन कोई है ही नहीं, वही शख्स मुगले आजम में एक नाद भी उनकी लता मंगेशकर गाई, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, आप देखिए कहाँ वो भजन और कहाँ ये नाद। वही शख्स गंगा जमुना में नैन लड़ जाइए तो मनवा में खटक हुई बेकरिए भोजपुरी टच, तो नौशाद साहब वाकई मैं ये समझता हूँ कि कम फिल्में हैं उनकी अगर देखा जाए उनका 70-80 साल का कैरियर, और मेरे ख्याल से उनकी अजमत और ग्रेटनेस भी इसीलिए है कि उन्होंने कम फिल्मों में और जो भी उन्होंने काम किया वो इतना सॉलिड है कि आज तक याद रखा जाता है। रायटी वाला जो गौरी साहब मसला है वो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा वो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच हुआ था, जिसमें रफी साहब ये कहते थे कि हम लोगों ने प्रोड्यूसर से एक मरता ऐसा ले लिया तो हमें जरूरत नहीं है, उस पर लता मंगेशकर का कई साल हो रहा और बाद में नरगिस दत्त ने वो सुलह करवाई थी। जी जी, तो वो हाँ जी महबूब साहब से तलत वो किया था,
तो और फिर अभी मेरी एक मुलाकात उनसे सिर्फ हुई थी जश्न खुमार बाराबंकी, प्रदीप भाई याद होगा आपको, कुमार साहब जिंदा थे, बाराबंकी में हुआ था, उसमें नौशाद साहब वहां से आए थे और उस वक्त बहुत सारी बातें भी हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि नौशाद साहब को अगर डिटेल से जानना है तो वो किताब भी मेरे पास है, मैं आप लोगों तक कोशिश करूंगा। बहुत डिटेल से उन्होंने, नौशाद साहब ने अपना लखनऊ का सफर, और एक बात और, उस थिएटर का भी उन्होंने जिक्र किया है, अमीनाबाद और मेहरा टाकीज था जहाँ बैठ के वो म्यूजिक और साजिंदे बैठते थे, रॉयल नाम था वो, शायद उस वक्त लखनऊ का शायद पहला थिएटर भी था। वाकया है सिर्फ उसको थोड़ा सा आपके सामने रहा, मोहम्मद रफ़ी साहब और नौशाद साहब के बारे में। रफ़ी साहब जो थे वो सन 70 में हज करने गए थे, और हज करने के बाद जब वापस इंडिया आए तो उनको बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तुम बड़े गलत लाइन में हो, ये गाना बजाना नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, अब तुम इस लाइन को छोड़ो, बहुत गलत ये है सिलसिला। तो रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा मायूस हुए और ये डेट्स जो इनके पास थी रिकॉर्डिंग्स की उनको टालने लगे, वो कहने लगे कि नहीं आज नहीं, दो दिन के बाद, चार दिन के बाद, छः दिन के बाद सिलसिला होता रहा। तो किसी तरह से नौशाद साहब को मैं ये मालूम हुआ कि रफ़ी साहब फिल्मों में अब जो गाने को मना कर रहे हैं उसका रीज़न ये नहीं है कि उनको डेट से मिल रही है, गाने नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जब से हज करके आए हैं उनके दिमाग में ये बात पड़ गई है कि तुम जो गाना बजाना कर रहे हो ये बहुत गलत काम कर रहे हो। एक किस्सा इसमें इस तरह से भी इनके जहन के ऊपर काफ़ी भारी रहता था कि इंदौर में इनका समझाना था, इंदौर में वहाँ के एक मस्जिद के इमाम ने इनसे कहलवाया कि आप कुछ चंदा भेज दीजिए, पैसा जो मस्जिद में लग सके, इनसे रफ़ी साहब से कहा गया था। तो मैं वापस आ रहा हूँ उस बात के ऊपर, तो रफ़ी साहब ने 5,000 रुपये भेजे थे जो कि वो पैसे वहाँ पे लिए नहीं गए, और ये कहा गया कि गाने बजाने वालों से पैसे नहीं हम लेंगे मस्जिद के लिए। तो ये बात उनके जहन में पड़ी हुई थी रफ़ी साहब के दिमाग में। तो जब हज करके वापस आए जब फिर उनसे जब ये कहा लोगों ने कहा तब ये काफ़ी मायूस हुए। नौशाद साहब को जब मालूम हुआ तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को बुलाया अपने पास, और रफ़ी साहब को बहुत अच्छी तरह से बिठा के समझाया कि देखो मियाँ तुम गाना बजाने से दूर भाग रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, हमको तुम देखो, हम तो तुमसे बड़े हैं और फिर हम इसी लाइन के अंदर हैं, और तुम जो ये कह रहे हो क्या तुम अब क्या नौकरी करोगे, क्या तुम अब अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें नौकरी भी कोई मिलती, नौकरी करोगे, बच्चों को कैसे पालोगे, लेकिन मियाँ ये सब छोड़ो, दिमाग से बात निकालो, वापस गाने की तरफ आओ, तुमको अल्लाह ताला ने गाने बजाने के लिए ही पैदा किया है, वापस आओ। उसी जमाने में ये चीजें चल गई, ये हो रहा था कि किशोर साहब जो है वो बहुत आगे आ रहे हैं, उनका बाजार कम हो गया है, दिस एंड दैट, ये सब गलत था। रफ़ी साहब खुद ही पीछे भाग रहे थे गाने बजाने से, एंड इट वॉज नौशाद हु ब्रॉट रफ़ी साहब बैक इन इंडिया। ये एक ऐसी महफिल है जो वाकई कई दिन तक भूलेगी नहीं, और नहीं वो तो बढ़ेगी लेकिन किसी दूसरे के नाम से होगी, ये आज चूंकि नौशाद साहब के नाम से है इसलिए याद रहेगी। उसकी वजह एक ये है कि अभी 4 या 5 साल पहले, कोविड से पहले, बिरजू महाराज ने एक यहाँ प्रोग्राम किया था नौशाद साहब के ऊपर, और दो दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन सेमिनार था और दूसरे दिन उनका प्रोग्राम था वहाँ। तो सेमिनार में उसमें एक लड़की जिसने उन पर पीएचडी की नौशाद साहब, उसने एक दो बातें बताई थी जो शायद मिस हो गई हैं, और पता नहीं हो सकता है उसके अपने रिसर्च है। उसने कहा कि नौशाद साहब ने उसको बताया कि जो रागों का सिस्टम था उतना पहले वो नहीं जानते थे, लेकिन वो जब मुहर्रम आता था तो मुहर्रम में लखनऊ में ज़रूर रहते थे, और उस जमाने में जो करबला या वहाँ वो जाते थे, कहने लगे एक एक चीज मैं उसको सुनता था और कहता था ये किस राग के ऊपर। तो बता रही थी कि उन्होंने ये बताया कि सवेरे के वक्त जो जब घर से जुलूस निकलता है या मुहर्रम में जो होता है उसमें जो राग इस्तेमाल किया जाता है भैरवी थाट,
कहने बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन कहने के वो उस भैरवी थाट को मैंने कई जगह इस्तेमाल किया और बहुत कामयाबी इस्तेमाल किया, और उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो जब तक मौसीकी जिंदा हो मरेगी। दूसरी बात एक ये कि जब लच्छू महाराज वापस आ गए और यहाँ कथक केंद्र के डायरेक्टर हो गए, वो उस जमाने में छोटे थे, बिल्कुल शुरुआती दौर थी, तो थिएटर करते थे, तो उनसे भी मिलने जाते थे, उनसे गए मिलने के लिए, तो वो किसी बुजुर्ग आदमी से बात कर रहे थे, वो बैठे सुन रहे थे, तो कहने लगे भाई नौशाद साहब जो है वो बहुत महीन आदमी थे। हाँ, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कह लो बहुत महीन आदमी थे। कह लेंगे वो जब गाना उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाया, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए होंगे, और उसमें एक मिसरा था, कंकरी मोहे मारी और गगरिया फोड़ डाली, तो कह लेंगे उसके लिए मैंने उनसे कहा बताओ भाई नौशाद ये साहब कैसे होगा, तो मैंने बता दिया। कह लें नहीं, कंकरी फोड़ी जो है उसकी उसका एक्शन उसका भाव आना चाहिए, तब तो वो जो हमने बनाया है वो उसके ऊपर कंपोजिशन वो समझ में आएगा। तो ये उन्होंने कहा महाराज ने कि मैंने जब ये उनको करके अलग से दिखाया, तो मैंने उसके बाद उससे कहा मधुबाला से कि ऐसे करो, तो कह लें चार पांच बार वो फेल हो गई, लेकिन नौशाद साहब हेले ने उनका नहीं जब हाँ ऐसे ही करना है, नहीं तो वो बात नहीं आई, और बाद में वो हुआ, और कह लें साहब उसी के ऊपर इतना जबरदस्त वो मिला अप्लॉज मिला कि जवाब नहीं, जो उसने एक हाथ से कंकरी मारी है और भाव दिया है। अपनी महकी हुई नजरों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।